तो ये है एक ट्रांसपेरेंट मोबाइल केस जिनका आप में से बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कुछ समय बाद इसका जो कलर है वो धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। यार आखिर में ये व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट केस एक समय बाद येल्लो क्यों हो जाता है? और अगर ये येल्लो हो जाता है तो क्या हम इसे क्लीन कर सकते हैं, क्या हम इसे साफ कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? वेल, ऐसे ही कई सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, क्यों? डोंट वरी, मैं हूं ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं, जिसे देखने के बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। वेल, जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारो और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी के अंचल में आपका स्वागत है। नंबर वन, सन एंड हीट। कोई भी मोबाइल का ट्रांसपेरेंट केस एक समय बाद येलो हो जाता है, इसके पीछे कारण होता है दोस्तों सन एंड हीट। यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि सन से यहाँ पर यूवी रेडिएशन निकलती है, तो ये जो रेडिएशन है दोस्तों आपके मोबाइल का जो कवर है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन दोस्तों आपने नोटिस किया होगा ये अगर आउटडोर कंडीशन में या फिर कह लो जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट है, अगर वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पर प्लास्टिक की यहाँ पर चीज़ें रखता है, पॉलीकार्बोनेट की चीज़ें रखता है, तो एक समय बाद आप नोटिस करोगे कि उसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। यही नहीं, हीट भी एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपका जो टीपीयू केस है वो धीरे धीरे येलो पड़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप अपने स्मार्टफोन को आउटसाइड में या फिर कहला आउटडोर में इस्तेमाल करते हो तो डायरेक्ट सनलाइट आपके स्मार्टफोन पे पड़ती है, केस पे पड़ता है यहाँ पर, जिससे थोड़ा बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जब भी आप अपने स्मार्टफोन को घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, गेम खेलते हैं या फिर नॉर्मली इधर उधर रख देते हैं, तो यहाँ पर आपके स्मार्टफोन से हीट निकलती है। आपने देखा होगा कई बार आपका जो फोन है वो थोड़ा बहुत गर्म होने लग जाता है या फिर कुछ समय बाद कुछ ही गर्म होने लग जाता है, तो वो जो सारा हीट है अगर आप फोन में केस को लगा के रखते हो तो आपका जो केस है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये सारा हीट एक जगह पे एब्जॉर्ब होने से, इकट्ठा होने से धीरे धीरे आपका जो केस है, ट्रांसपेरेंट केस है, वो येलो पड़ने लग जाता है। नेक्स्ट रीजन की बात करें तो ये कॉमन रीजन है। कई बार आप अपने फोन का नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं, उठा लेते हैं, तो इससे कई बार आपके फोन के बैक कवर पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, बैक कवर घिस जाता है। इसके अलावा नॉर्मली आप कभी खाना खाते हैं आउटसाइड में, घर में, या फिर कई बार जंक फूड खाते हैं, तो जिस हाथ से आप खाते हैं उसी हाथ से अपने फोन को टच करते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार आपके हाथ पे ऑयल लग जाता है या फिर आपके हाथ पे कई बार पसीना आ जाता है। तो ये जो सारी चीज़ों से आप अपने फोन के कवर को टच करते हो, फोन का इस्तेमाल करते हो, तो सारी चीज़ें आपके फोन के कवर में चले जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम रोजाना करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, तो यहाँ पर हमारा जो कवर है इन चीज़ों के साथ यहाँ पर रिएक्शन कर जाता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। नतीजा एक समय बाद आपका जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है वो धीरे धीरे येलो पड़ने लग जाता है। नेक्स्ट रीजन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं दोस्तों, उन सभी में जो डस्ट है वो बहुत जल्दी चिपक जाता है, चाहे कोई भी पॉलीथीन ले लो या फिर आपने नोटिस किया होगा अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आपके स्मार्टफोन का जो बैक साइड है वो अगर पॉलीकार्बोनेट का है तो आपने देखा होगा उसमें जो फिंगरप्रिंट के निशान है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, साथ में जो डस्ट है वो भी बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर टीपीयू केस में या फिर ट्रांसपेरेंट केस में यही जो डस्ट है वो चिपक जाते हैं और एक समय बाद यही जो डस्ट है वो कारण बन जाते हैं आपके ट्रांसपेरेंट केस को येलो करने में। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा, ठीक है भैया हमें पता चल गया कि ये जो टीपीयू केस होते हैं, ट्रांसपेरेंट केस होते हैं, ये कई कारणों की वजह से यहाँ पर एक समय बाद येलो पड़ जाते हैं, लेकिन भाई इसका सलूशन क्या है, इसे ठीक कैसे करें? अब यहाँ पर टीपीयू केस अगर येलो हो गया यहाँ पर तो उसे भैया पहले जैसा व्हाइट कैसे करें? ओके, तो ध्यान से सुनो, जितने भी पॉलीमर मटेरियल होते हैं दोस्तों ये एक समय बाद येलो हो जाते हैं और इनके पीछे जो मेन कारण होता है वो होता है डिग्रेडेशन रिएक्शन, जैसे कि ऑक्सीडेशन, फोटोऑक्सीडेशन, रेडिएशन, साथ में थर्मल जैसे कई रिएक्शन होते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो ये जो सारे रिएक्शन होते हैं दोस्तों ये केमिकल होते हैं नेचर में और ये सारे इन रिवर्सिबल होते हैं, मतलब सिंपल कि अगर ये जो रिएक्शन है एक बार हो जाता है तो इसे वापस करना पॉसिबल नहीं है। तो फंडा सिंपल सा है यार कि अगर एक बार आपके ट्रांसपेरेंट टीपीयू केसेस में अगर किसी भी तरह का रिएक्शन हो जाए और ये धीरे धीरे अपना कलर बदलना शुरू कर दे, येलो कलर का हो जाए, तो ऐसे में आप उसे पहले जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है वो इररिवर्सिबल होता है। तो यार इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखने के लिए यहाँ पर मैंने भी अपने ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस को जो येलो हो गया था उसे यहाँ पर धोया, गर्म पानी में डाला, नमक इस्तेमाल किया, यहाँ पर सोडे का इस्तेमाल करा, साथ में यहाँ पर टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल करा, कुछ नहीं हुआ।
हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जो टीपीयू केस है वो थोड़ा सा क्लीन जरूर हो गया, तो ऐसे में आपको लग सकता है कि हाँ यार टीपीयू केस क्लीन हो गया, लेकिन अगर ये जो येलो चीज़ है अगर इसे आप हटाने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, आप चाहे तो ट्राई भी कर सकते हो। तक आप इस टीपीयू ट्रांसपेरेंट केस को इस्तेमाल कर सकते हो तब तक आप करो, जब तक आपको लगे कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है तब तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपको लगे कि ज़्यादा गंदा हो गया सिंपल सा इसे आप फेंक दो और एक नया ट्रांसपेरेंट केस ले लो, या फिर इसकी बजाय पे यहाँ पर आप एक हार्ड कलरफुल ट्रांसपेरेंट कवर ले सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इन ट्रांसपेरेंट कवर के मुकाबले। वैसे आपका कभी ट्रांसपेरेंट कवर येलो हुआ है कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, है ना। कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, सोशल मीडिया पर जाकर फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी आप मुझसे मैसेज या फिर ट्वीट करके सवाल पूछ सकते हो। एंड हाँ, मिलता हूँ मैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।